खटीमा में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत छात्रवृत्ति के लिए चुने गए होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खटीमा ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह में चुने जाने वाले छात्रों को आयोजक मंडल द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश सदस्य राजेंद्र सिंह जोशी एवं रंजीत सिंह नामधारी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति के रूप में 30,000, 18,000 और 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा में जो छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उत्साह के रूप में जो मेधावी छात्रों को, उससे बहुत प्रसन्नता हुई है, मोटिवेशन में वृद्धि हुई है और आगे भविष्य में और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिली है। तो मैं अपने सब सहपाठियों और भाइयों बहनों की तरफ से धामी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए, उन्हें बहुत बहुत हम बच्चों को शुभकामनाएं तथा हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं की ओर अपना पूरा ध्यान लगाया गया है, इसी के तहत उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको 30,000, 18,000 और 12,000 की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी है, कि जिसको देख करके अन्य छात्र छात्राएं भी अपने लगन के साथ पढ़ें, अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, जिसके तहत इस प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल हो। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उनके द्वारा तमाम युवा साथियों को आगे बढ़ाने का लिए तमाम तरीके की योजनाएं इस प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही हैं। खेलकूद का क्षेत्र, अन्य कई क्षेत्रों में उन्होंने ये युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तमाम इस मंच के माध्यम से आज हमने जो हमारे इस महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं थे उनको सम्मान, उनका यहाँ सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, और हम चाहते हैं कि ये सब लोग देश के भविष्य बने और हमारे इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसी तरह हम युवाओं के लिए कार्य करते रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।